दोस्तों मैं हूं शाहिद, आप देख रहे हैं शाहिद डोगेटेक। दोस्तों ये एक मिसाइल मोटर है जिसका हमने इसकी जो वायर है ये आपको नज़र आ रही होगी। ये वायर हम एक पाइप हमने लगाया ये सीधा यहाँ से और यहाँ से फिर हम इसको अंदर ले आए। ठीक है, ये घर है दोस्तों जिसके 2 मीटर लगे हुए हैं। हमने 2 मीटर से एक मिसाइल मोटर को कंट्रोल करना है और वो पाइप यहाँ से अंदर आ रहा है। यहाँ से अंदर आ के सीधा हमने मोटर का बोर्ड यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है दोस्तों ये हमने चेंज ओवर लगाया सिंगल फेज चेंज ओवर। ठीक है, साथ में हमने एक सेफ्टी ब्रेकर लगाया 20 एम्पीयर का। ठीक है, और ये मोटर का कंट्रोल बॉक्स है और ये आपका लाइट प्लग है। ठीक है दोस्तों यहाँ से हमने इस डक पट्टी से हमारी डीपी के अंदर 2 मीटर की वायर आएगी, 1 मीटर हमारी नीचे वाले पोर्शन का और 1 मीटर हमारा ऊपर वाले पोर्शन का। तो सिंगल फेज चेंज ओवर के ऊपर वाली साइड पे हम दूसरे मीटर की वायर लगा देंगे और नीचे वाले मीटर की नीचे वाली साइड पे वायर लगा देंगे। तो ये हमारा चेंज ओवर 2 मीटर के ऊपर आ जाएगा। इसकी आउटपुट साइड पर हम लाइट प्लग को कंट्रोल करवा देंगे। तो दोस्तों जब नीचे वाले मीटर पे हम चेंज ओवर को नीचे करेंगे तो लाइट प्लग के अंदर नीचे वाले मोटर की सप्लाई आएगी जिससे हम इस बोर्ड को कंट्रोल बॉक्स को मोटर को हम इस लाइट प्लग के अंदर जब ऑन करेंगे तो हमारे नीचे वाले मोटर के ऊपर हमारी मोटर कंट्रोल होगी। जब हमने ऊपर वाले मीटर पे मोटर को करना होगा तो हम चेंज ओवर को ऊपर वाली साइड पर कर देंगे जिससे लाइट प्लग के अंदर ऊपर वाले मीटर की सप्लाई आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम इस कंट्रोल बॉक्स से हम दोनों मीटर की सप्लाई लेंगे। इसके अंदर नीचे वाले मीटर की सप्लाई ऑलरेडी आ रही है और ऊपर वाले मीटर की इसी से हमारी दूसरी डीपी कंट्रोल है ऊपर से, तो उसकी वायर ऊपर वाले मीटर से हम नीचे ले आएंगे और यहीं से टक पट्टी से हम दोनों मीटर की वायर उतरेंगे। ये दोस्तों देख लें, ये हम 729 की तार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मीटर्स की हम 729 की तार को इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल बॉक्स के अंदर हम लेके जाएंगे। दोस्तों ये दोनों मीटर की वायर हम ले आए, ये आपके सामने है दोस्तों। ये देखें, 2 तारें 1 मीटर की पे हमने निशान लगा लिया दोस्तों। ये 1 मीटर की वायर है, ये 2 मीटर की वायर, ये दोनों हम डक पट्टी के जरिए हम यहाँ पे अपने कंट्रोल बॉक्स पे ले आए। बाद में यहाँ पे निकाल लूँगा, ये वाले मीटर की वायर हम सीधी नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, इस साइज में काट लेंगे दोस्तों करीब से। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक ही कलर की वायर हैं तो इसमें न्यूट्रल कौन सी होगी और फेज कौन सी होगी। दोस्तों जब हम पीछे मीटर के पैनल बोर्ड से जब हम वायर लगाएंगे तो उस वक्त हम चेक कर लेंगे कि कौन सी साइड की हमारी फेज वायर है, कौन सी साइड की हमारी न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो आज करें हमने अगर इस साइड पर न्यूट्रल को रखना है तो ऊपर वाले मीटर की भी इसी साइड पर हम न्यूट्रल रखेंगे। अगर इस साइड पर हम फेज रख रहे हैं तो ऊपर वाले मीटर पे भी हम उसी साइड पे फेज रखेंगे। तो दोस्तों इसके आउटपुट साइड पे हम चेक कर लेंगे कि हमारी किस साइड पे न्यूट्रल आ रही है, किस साइड पे फेज आ रही है, तो हम आउटपुट से डायरेक्ट हम लाइट प्लग को वायर दे देंगे। अब हम ऊपर वाले मीटर की वायर ऊपर वाले दोनों पॉइंट के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो मैं अभी ऊपर वाले मीटर की वायर बारी बारी कनेक्ट कर दिया, एक वायर को ऊपर वाले मीटर को ऊपर कनेक्ट कर दिया, नीचे वाले मीटर को नीचे कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो काम है हमने इसकी आउटपुट को लगाना है। लेकिन दोस्तों आउटपुट को लगाने से पहले हम मीटर को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। पहले हमने मीटर को कनेक्ट करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा फेज लग गया है। तो फेज जब लगेगा तो हम इस चेंज ओवर को ऑफ करके अपने लाइट प्लग के और ब्रेकर के कनेक्शन कर देंगे।
तो अभी हमने उस साइड को चेंज ओवर में जो वायर्स को कनेक्ट किया था वो चार तार दोनों मीटर की अलग अलग किया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नीचे वाले मीटर की दो तारें कौन सी होंगी ऊपर वाली। दोस्तों हमने शुरू में ये निशान लगा दिया था, ये हमारा नीचे वाला मीटर की वायर है और ये ऊपर वाले मीटर की। तो नीचे वाले मीटर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं वायर, हम ब्रेकर में से भी दे सकते हैं, तो जहाँ से हम मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले मीटर की ये न्यूट्रल वायर आ रही है और ये जो फर्स्ट ब्रेकर आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले मीटर को हमने एक ब्रेकर दे दिया कि नीचे हम जहाँ से हम ऊपर वाले मीटर की वायर ले आए हैं जिसमें फेस जो है वो इस ब्रेकर में हमने दी हुई है और ये हमने न्यूट्रल अलग दी हुई है। तो हम ऊपर वाले मीटर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले मीटर को हम किसी भी ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले नीचे वाले मीटर को कनेक्ट करेंगे, तो अभी इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अभी मैं इस बोर्ड को इस सीडी टेस्ट लेंस के साथ टेस्ट करने लगा हूँ कि ये हमारा ठीक बना है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैं सीडी टेस्ट लेंस से इसको चेक करूँगा, इसको कैसे चेक करूँगा कि मैं सीडी टेस्ट लेंस की दो तारें एक किस साइड पर लगाऊँगा और दूसरी साइड पर लगाऊँगा। तो देखें दोस्तों मेरे ऊपर वाले मीटर की करंट आ गई और मैं जैसे नीचे लगाऊँगा तो ये नीचे भी मेरा करंट आ गया। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा ये कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और सही है। इस लाइट प्लग को हमने तैयार कर लिया, तो लाइट प्लग को तैयार करने के लिए इसकी ये जो हमने कनेक्शन बाहर छोड़ी ये हम लाइट प्लग के अंदर लगाएंगे और साथ ही हम इस ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे और चेंज ओवर की आउटसाइड को लगाएंगे। लाइट प्लग को तैयार करना सारा, क्योंकि लाइट प्लग के कनेक्शन अभी नहीं हुआ हुआ है, इसको हमने तैयार करना है और इंशाल्लाह मैं आपको लाइट प्लग तैयार करने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों ये मैंने लाइट प्लग तैयार कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रल को है साथ न्यूट्रल को जोड़ दिया, फेस के साथ फेस को जोड़ दिया। तो अभी हम लाइट प्लग को फिटिंग करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरी करंट वाली कार है और ये मेरी न्यूट्रल। दोस्तों अभी जो मेरी करंट वाली वायर है मैं उसको पहले ब्रेकर के साथ लगाऊंगा, ब्रेकर के बाद मैं चेंज ओवर में लेके आऊँगा। तो ब्रेकर को लगाने के लिए मुझे ये कवर निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमारे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गए, हमने दोनों मीटर की वायर को लगा दिया हुआ। तो दोस्तों अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट कैसे करूँगा, मुझे टेस्ट करने के लिए मैं सीरी टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा सीरी टेस्ट लैंप है और इसको मैं यहाँ से आपस में मिला देता हूँ। दोस्तों इस साइड से मैं इसको सप्लाई दूँगा, जैसे मैंने ये ब्रेकर ऊपर वाले मीटर पर किया करके मैं यहाँ से ब्रेकर ऑन करता हूँ। ऑन करके ये देखें मेरी यहाँ पे लाइट आ गई और फिर यहाँ से मैं लगाऊँगा तो मेरा फर्स्ट मीटर का। दोस्तों मैं जब दरमियान में करूँगा तो मेरी सप्लाई बंद हो गई है, अब दूसरे मीटर के करने के लिए मैं नीचे करूँगा। तो ये मेरे दोनों मीटर पर काम कर रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। तो दोस्तों ये मेरा सारा सेटअप कम्प्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो एंड पे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की सुविधा। ओके।